चंगाई। छुटकारा। पाप क्षमा। आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 1 वचन 18 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की कथा यानी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, क्रूस की कथा यानी प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान, यीशु का जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु का जो क्रूस पर का बलिदान है, यह बलिदान जिन लोगों का नाश होने जा रहा है उनके लिए मूर्खता के समान है, क्योंकि उन्हें इस कहानी का और इस बलिदान का कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए जिनका नाश हो रहा है यानी जो आत्माएं मरने के बाद नरक में जाने वाली है उनके लिए यह यीशु का क्रूस पर का बलिदान एक मूर्खता के समान है, परंतु हम जिनका उद्धार हो रहा है, जिन्हें पापों की क्षमा मिल गई है, जिनका नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा गया है, जिनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला गया है, ऐसे हर विश्वासी के लिए यह क्रूस की कथा परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही बात पर कुछ लोगों के लिए मूर्खता और कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि जब पूरी दुनिया पाप से भरी हुई थी और पाप की वजह से मनुष्य की आत्मा विनाश की ओर जा रही थी, तब परमेश्वर ने आसमान से मनुष्य की हालत देखी। परमेश्वर को बड़ा दुख हो गया कि जिस इंसान को मैंने खुशी में शांति से जीने के लिए बनाया था वह इंसान शैतान के हाथ से दुख उठा रहा है और मरने के बाद उनकी आत्माएं नरक में जा रही है। ये जब परमेश्वर ने देखा तब उसके दिल को दुख हो गया और इंसान को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान का रूप लेकर धरती पर वो पैदा हो गया।
एक बालक के रूप में उसने जन्म लिया। वो बालक के रूप में जन्मा था, इसलिए दुनिया ने उसे जाना नहीं कि इंसान नहीं, ये स्वर्ग से उतरा हुआ है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये दुनिया ने जाना नहीं। पर जैसे ही यीशु बड़ा हो गया और चमत्कार दिखाने लगा, स्वर्ग की बातें बताने लगा, तब चमत्कार देखने वाले और उसके वचनों को सुनने वाले लोगों को पता चलने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सचमुच स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी विशेष मकसद से परमेश्वर ने उसे भेजा था और ये मकसद यही था कि मनुष्यों के पापों का सारा दंड खुद पर लेकर, मनुष्यों के पापों की सारी सजा खुद पर लेकर यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान करे, ताकि जितनी आत्माएं उस पर विश्वास करेगी उन सबों को पापों की क्षमा मिल जाएगी, पाप से वो मुक्त हो जाएंगे, और पाप से मुक्त हो जाने के कारण स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष उनके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। और जब उनका धरती का जीवन खत्म हो जाएगा तब ये सारी आत्माएं स्वर्ग में पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कई बार परमेश्वर के इस मकसद को लोगों के सामने बताया था कि वो दुनिया में किस लिए आया है। वो पापों का दंड लेने के लिए, पापों की सजा लेने के लिए दुनिया में आया है। यह सच्चाई उसने कई बार लोगों के सामने और अपने चेलों के सामने बताई थी। और अंत में जिस मकसद से परमेश्वर ने उसे भेजा था, उस मकसद को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। गुरुवार की रात जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बगीचे में बात कर रहा था, तब उसे पकड़ने के लिए सैनिक आ गए, उसे पकड़ा गया, और तब से लेकर उसके दुख की शुरुआत हो गई। उसको बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, बहुत दर्द दिया गया, उसको मारा गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। बहुत छल, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द प्रभु यीशु को उठानी पड़ी, और आखिर दूसरे दिन वो क्रूस पर मर गया। यह यीशु का जो क्रूस का बलिदान है, यह मनुष्यों की पाप क्षमा के लिए है, पाप की मुक्ति के लिए है। हालेलुया। उसने कुछ गुनाह किया था, कुछ अधर्म किया था, इसलिए उसे क्रूस पर मारा, ऐसा नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों के पापों का दंड खुद पर उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना को अभी 2000 साल हो चुके हैं। 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। 33.5 साल वो धरती पर रहा। उसने लोगों के सामने चमत्कार दिखाकर और स्वर्ग की बातें बताकर साबित कर दिया कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। यह बात उसने लोगों के सामने बता दी, प्रकट की, और आखिर वो क्रूस पर मर गया पापों के लिए बलिदान करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले इज़राइल देश में यह घटना हो गई। आज हम 2000 साल बाद दुनिया में है, पर आज भी जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपने दिल में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे हर व्यक्ति को पाप की क्षमा मिल जाती है। उनके जीवन पर से शैतान का अधिकार खत्म हो जाता है, उनके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष आते हैं और उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले कोई मनुष्य इज़राइल नाम के एक देश में मर गया, और आज हम 2000 साल बाद उसके बलिदान का फायदा उठा रहे हैं। क्या लोगों के लिए, यानी दुनिया के लोगों के लिए यह बात विश्वास करने योग्य है? दुनिया कहती है यह कैसा संभव है, कोई मनुष्य 2000 साल पहले मर कर गया, उसके द्वारा आज हमें पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? हम तो दुनिया में अभी आए,
40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, इस समय हमने जो पाप किए हैं, उन पापों का दंड 2000 साल पहले उस मनुष्य ने कैसे लिया? ये कैसा संभव है? जबकि हम जन्मे ही नहीं थे और हमने पाप ही नहीं किया था, तो हमारे पापों का दंड 2000 साल पहले किसी मनुष्य ने लिया, ये बात कैसे संभव है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है कि दुनिया के लोगों के लिए, यानी जिनका नाश होने जा रहा है, उनके लिए यह बात एक मूर्खता है, मूर्खता के समान है। 2000 साल पहले कोई मनुष्य क्रूस पर मरा और उसने मेरे पापों का दंड लिया, ऐसा विश्वास कैसा कर सकते हैं? क्योंकि तब हम जन्मे ही नहीं थे, तब हमने पाप ही नहीं किया था। जबकि हम जन्मे ही नहीं थे और पाप ही नहीं किया था, तो उसने हमारे पापों का बोझ तब कैसे उठाया? उसने हमारे पापों की सजा तब कैसे ले ली? विश्वास करने के लिए बहुत कठिन बात है। इसलिए वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर हम जो विश्वास करते हैं, हम जिनका उद्धार हो चुका है यीशु के क्रूस पर के बलिदान के ऊपर विश्वास करके, हमने जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, हम सबों के लिए यह क्रूस का संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो विनाश की ओर जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि संभव कैसे है, ये तो मूर्खता की बात है। पर जो विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा विश्वास है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है। मैं तभी जन्मा भी नहीं था और मैंने पाप भी नहीं किया था, पर तभी उसने मेरे पापों का दंड लिया है, उसके लिए संभव है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, तब उसने उस समय दुनिया में जितने लोग थे उनके सारे लोग, वो सारे लोगों के पापों का दंड तो लिया ही, पर उसके बाद जो भी दुनिया में आने जा रहे थे और जो पाप करने जा रहे थे, सबों के पापों का दंड लिया। क्योंकि दुनिया में बाद में कितने लोग आने वाले हैं, कौन कौन आने वाले हैं, कितने साल तक दुनिया चलती रहेगी, कौन कौन इंसान यहाँ पैदा हो जाएंगे, कौन कौन इंसान क्या क्या पाप करेंगे, हम नहीं जानते, पर वो जानता था, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था। लोगों ने उसे मनुष्य के रूप में देखा, वो इंसान की तरह दिखाई देता था, इसलिए इंसान की तरह लोगों ने देखा, पर वो इंसान नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था, यानी वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जो पाप कर रहे हैं, उन पापों की जानकारी यीशु को तब थी 2000 साल पहले। आज जो अधर्म हम कर रहे हैं, उन अधर्मों की जानकारी यीशु को तब थी जब वो क्रूस पे अपना दर्द उठा रहा था, हमारे पापों की सजा उठा रहा था, तभी उसे उन पापों की जानकारी थी, क्योंकि वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर था। और आज जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, उसने मेरे पापों का दंड लिया है, मुझे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि उसी ने मेरे पापों का दंड लिया है और उसी के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा, ऐसा जो विश्वास करते हैं, उन सबों के ऊपर स्वर्ग से अनुग्रह हो जाता है, उनके पापों को हमेशा के लिए मिटाया जाता है, उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है। और वचन कहता है ऐसे उद्धार पाने वालों के लिए यह क्रूस की कथा, क्रूस का संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसीलिए तो लोग बोलते हैं जब हम यीशु के पास नहीं आए थे, तब हमारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत दुखों से भरा हुआ था, तरह तरह के श्राप हमारे जीवन के ऊपर थे, पर यीशु के पास आने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया।
बीमारियां निकल गई, परेशानियां निकल गई, संकट निकल गए, सारे श्राप निकल गए। आज हमारा जीवन खुशी से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है। कैसा संभव है? यीशु मसीह तो 2000 साल पहले दुनिया में आकर गया और हम तो भारत के रहने वाले हैं। यीशु भारत में कभी आया ही नहीं था, वो इसराइल में जन्मा, वहीं पे उसने अपना पूरा काम किया और वहीं पे उसने बलिदान किया। इसराइल छोड़कर वो कभी बाहर नहीं गया था, किसी दूसरे देश में यीशु ने कदम नहीं रखा था, भारत में वो तो कभी नहीं आया था। हम तो भारत के रहने वाले लोग हैं और हम बोलते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मेरी बीमारी निकल गई, समस्या निकल गई, मेरे संकट निकल गए, श्राप निकल गए, मेरा जीवन बदल गया, मुझे शांति मिली, खुशी मिली। कैसा संभव है? वचन कहता है उद्धार होने वालों के लिए यह क्रूस का संदेश परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनका विनाश होने जा रहा है ये लोग तो क्रूस के संदेश को हंसते ही रहेंगे, कभी उनको ये संदेश समझ में नहीं आएगा। ये कैसा संभव है? लोग यही सवाल करते रहेंगे, ये कैसा संभव है, ये कैसा संभव है। कितने लोग प्रभु यीशु का क्रूस पर की तस्वीर देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक दुर्बल हालत में मर गया, वो खुद दुर्बल था तो मेरी सहायता क्या कर सकता है। वो खुद दुर्बल था, दुर्बल हालत में मर गया, कमजोर हालत में मर गया, खुद को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचा पाएगा। दुनिया देखती है यीशु के उस तस्वीर की ओर जिसमें दिखाई देता है कि यीशु क्रूस पर कमजोर हालत में मर गया, और लोग सवाल करते हैं वो खुद कमजोर था तो हमारी मदद क्या कर सकता है। वो खुद को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचा पाएगा। वो खुद दुर्बल था तो हमें क्या दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए शुक्रवार के दिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, आपने एक बड़ी गवाही सुनी होंगी। एक औरत अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई थी, शायद आज भी वो यहाँ पे हो सकती है। उसका बेटा कहीं तो तालाब में तैरने के लिए गया था और अचानक उसके हाथ के यहाँ कलाई के बाजू में 4 नस कट गई। कुछ तो लगा, कांच लगी होगी या कुछ तो लगा होगा, कलाई की 4 नस टूट गई और इतना खून निकल गया, इतना खून गया कि ये लड़का तो बेहोशी हो गया। पर उसकी माँ बोलती है कि मैं उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो मेरी साड़ी भी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी, उसका पूरा कपड़ा, लड़के का पूरा कपड़ा भी खून से भीगा हुआ था। जब डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोले ये तो मर गया है, जिसके शरीर में खून नहीं वो जिंदा कैसे रह सकता है। 4 नस कटने की वजह से शरीर का पूरा खून निकल कर गया। उसकी माँ ने अपने बेटे को वहीं पे हॉस्पिटल में रखा, रात भर प्रभु यीशु की तस्वीर अपने हाथ में पकड़कर रो रो कर प्रार्थना करती रही, पूरी रात उसने प्रार्थना की। सुबह 6 बजे डॉक्टर देखने के लिए आए, तभी पता चला उसके शरीर में खून भर गया है। शरीर में खून भर गया है और थोड़ी थोड़ी उसकी सांस चलने लगी और थोड़े ही देर में वो लड़का होश पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस हाथ को उसको तकलीफ हुई थी, डॉक्टर ने बताया था कि एक साल तक ही अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी हाथ की नसें टूट गई है, कुछ काम नहीं कर पाएगा। पर ये गवाही देने के लिए आए, मुझे लगता है 3 या 4 महीना ही हो चुके हैं। उसकी माँ बोलती है वो अपने हाथ से 10 किलो का भी वजन उठाता है, कोई तकलीफ उसे होती नहीं, परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसने ठीक किया? यीशु ने ठीक किया। दुनिया बोलती है क्या ऐसा संभव है, कहाँ है यीशु, वो तो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बाइबल का एक महत्वपूर्ण वचन है, हम आंखों से जैसा दिखता है वैसे नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से।
यहाँ लोग यहाँ पर आते हैं, चंगाई पाते हैं, यीशु दिखता नहीं है। यहाँ यीशु की एक तस्वीर है, स्टेज पर यीशु की एक तस्वीर लगाई है। मैं आपको बताती हूँ, यदि ये तस्वीर यहाँ से हटाई भी जाएगी ना, तो भी चमत्कार होते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीहा इस तस्वीर में बैठा हुआ नहीं है, वो आत्मा के रूप में पूरे हॉल में घूम रहा है। यहाँ वो है आत्मा के रूप में। लोग बोलते हैं, कहाँ है यीशु? यीशु हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। हमने जो तस्वीरें लगाई है यहाँ पर, केवल हमारी जानकारी के लिए लगाई है और याद दिलाने के लिए लगाई है कि यहाँ का सामर्थ और यहाँ का काम मनुष्य का नहीं, प्रभु यीशु का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हॉल में जो भी अंदर आएगा, उसे याद रहे कि यहां मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु काम कर रहा है। मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु काम कर रहा है। ये बात, ये सच्चाई याद रहे, इसलिए हमने तस्वीर लगाई है। पर यदि ये तस्वीर यहां से हटाएंगे भी, तो चमत्कार हो जाएंगे और भी बड़े हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि यीशु यहां आत्मा के रूप में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों के लिए, जिनका नाश हो रहा है, उनके लिए यह बात एक मूर्खता है। मूर्खता। ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ज्ञान यह है कि वो हमसे प्यार करता है। जिसके पास ये ज्ञान है कि परमेश्वर जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया है। उस पर विश्वास करने के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा हमें हर पाप की क्षमा मिलती है। हमारे हर पाप को हमेशा के लिए मिटाया जाता है। विश्वास करने वाले के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। जब हम मर जाएंगे, तब हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। हम अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। जिसके पास यह ज्ञान है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे उसे लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, पर परमेश्वर की नजर में वो दुनिया का ज्ञानी मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पास दुनिया का ज्ञान है। बाइबल कहती है उसे तो गलती से ज्ञान कहा गया है, वो ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान को लेकर लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। जो ज्ञान हमें परमेश्वर के पास लाता है, वो सच्चा ज्ञान है। और जो ज्ञान हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है, वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है, अंधकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया अविश्वास से भरते जा रही है। दुनिया में अविश्वास, शक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु के क्रूस पर के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु का क्रूस पर का बलिदान, यह क्रूस का संदेश सचमुच एक मूर्खता के समान है, मूर्खता के समान। प्रभु यीशु के एक महान सेवक होकर गए, उन्होंने कहा था, जब मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, तब जब जब मैं चर्च में जाता था, यीशु को क्रूस पर मरा हुआ देखता था, और हमेशा मुझे लगता था, ये बेचारा आदमी कितना दुर्बल, कमजोर हालत में मर गया, और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं और हाथ जोड़ के उसके सामने प्रार्थना करते हैं। जब तक मैंने यीशु को पहचाना नहीं, जब ही मैं चर्च में जाता था और क्रूस पर वो यीशु को देखता था, हमेशा उन लोगों के ऊपर मुझे हंसी आती थी जो हाथ जोड़कर उसके सामने प्रार्थना करते थे। मैं मन में सोचता था, ये बेचारा इतनी खराब हालत में मर गया, खुद को बचा नहीं पाया, ये पागल लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, ये इनको क्या बचाएगा। पर इसी मनुष्य के ऊपर कुछ सालों के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। उन्होंने यीशु को जान लिया और वो खुद यीशु का प्रचार करने लगे और लोगों को बताने लगे, यही मुक्तिदाता है और यही उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जिनका नाश होने जा रहा है, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उनके लिए यह क्रूस की कथा, क्रूस का संदेश एक मूर्खता है। ये कभी समझ नहीं पाएंगे और उस पर ना ही कभी विश्वास कर पाएंगे। उनके लिए उस क्रूस का संदेश का कोई महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं है। पर जिन्होंने उस क्रूस के संदेश को जान लिया है, विश्वास किया है, उन सबों के लिए यह एक परमेश्वर का सामर्थ है। इस क्रूस के संदेश के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार चमत्कार और चमत्कार होते जाएंगे। उनके जीवन में स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष उतरते जाएंगे। हर घड़ी, हर दिन, हर पल स्वर्ग से परमेश्वर की रोशनी उनके ऊपर आते जाएगी, क्योंकि यह क्रूस का संदेश हमारे लिए मूर्खता नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, हमारे लिए उसने बलिदान किया है, हमारे लिए उसने क्रूस पर जान दी है। वो 2000 साल पहले क्रूस पर मर गया, पर आज भी वो जिंदा है। आपके हर पाप का दंड उसने 2000 साल पहले लिया है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसे तभी ही मालूम था कि हम क्या पाप करने जा रहे हैं। वो हमें तभी ही देख रहा था और तभी ही जान रहा था जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, तभी उसने हमें जाना है। उस पर विश्वास करो ताकि तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी, और पाप की क्षमा मिलने के कारण परमेश्वर के साथ तुम्हारा मेल हो जाएगा। शैतान के बंधन से तुम छुटकारा पाओगे, परमेश्वर के आशीषों का तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा, और हर दिन परमेश्वर का सामर्थ तुम जीवन में अनुभव करोगे, क्योंकि यह क्रूस का संदेश विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करने वाले पाप की क्षमा पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, शैतान के हाथ से मुक्ति पाएंगे, स्वर्ग से परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे, और यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो अनंत जीवन में चले जाएंगे, जहाँ परमेश्वर खुद रहता है, जहाँ अनगिनत स्वर्ग दूत रहते हैं, वहाँ हमारा प्रवेश हो जाएगा और अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।